अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी का नाम है एक्ट्रेस। इसका जो सिस्टम है, सब कंप्यूटर सिस्टम है इसका। कितने भाई साहब, हम लोग, मेरा दोस्त यार पूछते हैं, आप तमाम या मक्का या जद्दा आप जाते हैं, जैसे तमाम तो 400 किलोमीटर है, आप मक्का ये मान के चलिए 1000 किलोमीटर है, तो आप कंटिन्यू 4 घंटा या 5 घंटा चलाते हो तो आपका पैर तो दुख जाता है, पैर में तो दर्द हो जाता होगा। देखो भाई साहब, ऐसी बात ना है, अगर आप गाड़ी चलाने लगेंगे तो हर चीज़ का धीरे धीरे आदत बन जाती है। मेरा कहने का मतलब है, हर चीज़ की आदत बन जाती है, थोड़ा बहुत तकलीफ होता है शुरुआत में, लेकिन आदत बन जाती है, उतना उसी कोई बात है नहीं। लेकिन इस जो गाड़ी एक्ट्रेस, मान के चलिए ये 80 का रोड है, 80 के बाद अब जाइएगा तो फिलहाल आप कैमरा देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा 80 के पार कीजिएगा तो कैमरा खींचेगा आपको 200-150 के या 300 का मुखालफा कैमरा दे देगा। तो इसी में भलाई है, आप देखिए मेरा मीटर, अभी मैं 75 के स्पीड में चल रहा हूँ। ये जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे, स्टॉपर है, स्टॉपर मेरा ख़राब है फिलहाल, तो स्टॉपर के अंदर में और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है इसका। जैसे मैं 75 का स्पीड चल रहा हूँ, जितना भाई साहब पूछते हैं, मतलब आपका पैर दुख जाता होगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कोई बात नहीं, एक्ट्रेस गाड़ी में ऐसा ऐसा सिस्टम दिया है, कंप्यूटर सिस्टम है, 75 में मैं लॉक कर सकता हूँ। मैं, मेरा पैर लगाने का, एक्सीलेटर दाबने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं अभी 70 का है, मैं 70 पर लॉक करता हूँ इसको। ये जो है स्टॉपर का, यहाँ पर लॉक करने का भी सिस्टम है, यहाँ पर लॉक हो जाएगा, सिर्फ 70 की स्पीड चलेगी। देखिए अगर इसको ऐसा उठा दे, मेरी लॉक हो गई 70 पे, मेरी गाड़ी लॉक हो गई। देखिए मेरी पैर भी ऊपर उठा लिया, ये भी पैर मैंने ऊपर उठा लिया, पैर आप देख ही रहे हैं, दोनों पैर मैंने ऊपर उठा चुके हैं, हम आराम से 70 के चलेंगे। जितना दूर 200-300-400 किलोमीटर चलाना है, अब जैसे सामने गाड़ी आ गई, आप आगे इसको कर दीजिए टूट जाएगी, अपने हिसाब से ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद से गाड़ी आगे चली जाएगी, अपने हिसाब से एक्सीलेटर लेना है, एक्सीलेटर लीजिए। यही मेरा कहना का मतलब था। वो आगे चली गई, बहुत दूर ले गाड़ी नहीं है, आपको पैर दुख गया है, सही है, आराम से इसको लॉक कीजिए, 70 पे या 75 पर लॉक करें, उसके बाद से अपने हिसाब से बिंदास देखते रहें, चलते रहें। आप पैर उठा के ऊपर रख सकते हैं, पैर सीधा करना चाहते हैं सीधा कर सकते हैं, वही हिसाब से आपकी गाड़ी चलेगी। और एक वीडियो आपको, इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो कंपनी की अक्सर गाड़ी रहती है बड़ी गाड़ी ट्रेला, तो पेट्रोल पंप पे मेरे कंपनी के, मैं बात बता रहा हूँ, चिप्स लगा हुआ है, वाईफाई उसको बोलते हैं, वाईफाई लगा हुआ है, आप बस पेट्रोल पंप पे जाइए, इतना बड़ा वाईफाई है टंकी के पास में लगा हुआ है, फिलहाल मैं टंकी के पास से तोड़ के अपने पास रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं वाईफाई। ये मेरा टंकी के पास लगा हुआ था, इसको मैं तूर के रख लिया हूँ, इसलिए कितने भाई साहब है, कोई कोई तूर लेते हैं, तूर के लेके चले जाते हैं अपने टंकी में डीजल में, टंकी में डीजल भरने के लिए, इसलिए अपना केबिन में रखते हैं। अभी फिलहाल मैं पेट्रोल पंप के पास में जाऊँगा, और जाने के बाद में अपने गाड़ी में डीजल डालेंगे, इसका क्या सिस्टम है आपको हम बताएँगे इस वाईफाई के बारे में। इसमें मेरी कंपनी पैसा 2000-4000 में ही वाईफाई में रहता है, बस यहाँ पर जाएंगे पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर वाईफाई लगाएंगे, इसका पिन कोड है, पिन कोड डालेंगे, मेरे टंकी पूरा फुल करके उसके बाद में चले जाएंगे, सही है। चालकों के बताइए, देखिए भाई साहब, पेट्रोल पंप पास में है, पेट्रोल पंप आ चुका है, आप हर पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं ले सकते हैं, बस जिस कंपनी का वाईफाई लगा हुआ है उसी पेट्रोल पंप पे आप डीजल ले सकते हैं। ये एक्ट्रेस का है, मैं इस पे जा रहा हूँ फिलहाल, मेरा डीजल अभी दो खूंटी है, काफ़ी है अभी, लेकिन मैं डीजल ले लेता हूँ, उसके बाद से आपको हम बताते हैं।
आप दिखा दीजिए भाई साहब, ये एड्रेस का है पेट्रोल पंप। देखिए हर पेट्रोल पंप पे नेक्स्ट वाला वीडियो बताए थे, पार्किंग भी है, देखिए कितना गाड़ी लगी हुई है इसमें। और उसके बाद आदमी सोए हुए हैं। देखिए ये जो सामने पेट्रोल पंप है, छोटी गाड़ी के लिए है, बड़ी गाड़ी के लिए कभी भी साइड में रहता है। ये छोटी गाड़ी के लिए पेट्रोल पंप हो गई, और उसके पीछे बड़ी गाड़ी के लिए है। हम पीछे चलते हैं, उसके बाद मैं पीछे चल के आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे बड़ी गाड़ी के लिए इधर है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद से हम डीजल भर के आपको हम दिखाते हैं डीजल कैसे भरा जाता है, वाईफाई से क्या क्या सिस्टम है। देखिए देखिए भाई साहब, हम पेट्रोल पंप आ चुका हूँ। चलिए हम डीजल पे डाल के दिखाते हैं आपको। ब्रेक लगा दीजिए इसको और न्यूट्रल कर दीजिए। देखिए मैं पिन कोड डाल दिए हैं, उसके बाद से मेरा डीजल चालू हो जाएगी। तो जीरो हो गई, मेरा डीजल चालू हो गई। इसमें डीजल अभी आप देखिए वाईफाई से, बस डीजल इसको टंकी फुल कीजिए, बस खलास। यही वाईफाई है, बस टंकी से डीजल हो रही है। दिखाते हैं कितना लीटर इसमें लगता है अभी फिलहाल। मेरे हिसाब से 300 के आसपास में। देखिए मैं डीजल भर रहे हैं भाई साहब। ये जो दिखाई दे रहा है ये इसी में पिन कोड, वाईफाई के पिन कोड 4 अंक के आता है। चार अंक के वाईफाई के पिन कोड डाल दीजिए, उसके बाद से देखिए मेरा डीजल चालू है। डीजल भर रहे हैं अभी वाईफाई से। देखो दोस्तों मेरा टंकी भी फुल हो गई है। ये जो वाईफाई के मैं सिस्टम बता रहे थे, और इस अगर इसको आप दूर रखिएगा तो वाईफाई का प्रॉब्लम होगा, तो बार बार ये डीजल बंद हो जाती है, डीजल नहीं भर पाएगी। कभी भी कोशिश करो पास में रखने के लिए। यहाँ पे एक रबर वाला सिस्टम रहता है, जो देखिए यहाँ पे जो रबर अभी फिलहाल टूट गया है, इसमें ये जो है वाईफाई इसमें लगा सकते हैं आप। उसके बाद आराम से डीजल भरिए। पहले हम यहाँ पर रखते थे, यहाँ से तुल के अपना केबिन में रखते हैं, इसलिए कहे कितना भाई साहब है तुल के लेके चले जाते हैं वाईफाई को। इसका पर्सनल पिन कोड रहता है, जो अभी पिन कोड मुझे मालूम है, आप लोगों को गाड़ी मिलेगी, आपको वाईफाई मिलेगी तो आपको मालूम पड़ेगी। इसको अंदर लगाइए, पिन कोड 4 अंक का डालिए, उसके बाद से डीजल डाल सकते हैं। देखिए मेरी टंकी फुल हो गई है, 600 लीटर की है।
फिलहाल अभी साढ़े 300 रिटर्न है कंपनी में आके पहले से डीजल फीस में पूरा फुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो भाई साहब मेरा टंकी पूरा फुल हो गई है, मेरा काम हो गया। छोटा सा अपना गियर है, देखिए 3 नंबर पकड़ लिए, हैंड ब्रेक छुड़ा दिए अपने, उसके बाद से पेट्रोल पंप से कर लिए, फिर आराम से मजे मजे चलिए। अब देख ही रहे हैं मेरा पूरा डीजल फुल हो गई, 600 लीटर की जाए। इधर बाएं साइड में कितना गाड़ी लगी हुई है पार्किंग के साथ में, आप देख ही रहे हैं कितना गाड़ी अभी फिलहाल निकल रही है, कितने पूरा पार्किंग में से आदमी सोए थे लग रहा है, पूरा गाड़ी निकल रही लाइन से, आप देख ही रहे हैं, या डीजल लिए होंगे या नाश्ता करके चल रहे हैं लोग। आप देख ही रहे हैं कितना गाड़ी निकल रही है पार्किंग में से, इधर से भी हर गाड़ी निकल रही है फिलहाल इसी टाइम, पूरा भीड़ लगा के सुरता के भी गाड़ी है, लग रहा है इसी टाइम नो एंट्री ख़त्म हुआ है, इस रास्ता में अभी नो एंट्री है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बताएंगे गाड़ी के मामले में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।